हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, सभी का स्वागत है अनदर वीडियो में। एंड टुडे वी आर मेक दिस वीडियो बिकॉज एफकेट बॉस इज द पास है एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एफकेट। क्या मतलब एफकेट की प्रिपरेशन सब लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, मैंने अभी स्टार्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं भी स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले से, लेकिन मैं अभी मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे और मैं इतनी लंबी लंबी वीडियो नहीं देख सकता था। मतलब ऐसा नहीं शॉर्टकट ढूंढ रहा था मैं कोई चीज़ का, लेकिन मुझे मैथ्स का एक बहुत अच्छा चैनल मिला है जो काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, एंड वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं एफकेट के लिए और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मतलब उनकी सीरीज है पूरी एक एफकेट के लिए। अगर आपको लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उनका चैनल का लिंक नीचे नहीं डालने वाला हूँ, बता रहा हूँ। नाम है बलविंदर लाइव YouTube चैनल, आप जाके सर्च करिए और वहाँ पे एफकेट की सीरीज डालिए मैथ्स के बारे में, आपको इजीली मिल जाएगी और काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मैं वहां से पढ़ रहा हूँ मैथ्स एफकेट। सो अभी बज रहे हैं 2, रात के नहीं दिन के बज रहे हैं और मैं काफी लेट वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज सुबह से टाइम नहीं मिला, मैं रिवाइज करने में लग गया था एंड उस टाइम हो गई दिक्कत, तो अभी बना रहा हूँ वीडियो और अभी 5 घंटे लगभग अपन पढ़ेंगे। सो देखते हैं कि कैसा कैसा रहता है एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या मतलब मैं एक टेक्निकल गुरु जी बन चुका हूँ, नहीं मतलब ऐसा है कि लाइक ठोक देना आप वीडियो को ताकि थोड़ा सा अच्छा सा माहौल हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं, हम आप करने वाले हैं सीडी से कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब प्रीवियस ईयर इंग्लिश के, और काफी बेटर है मुझे लगता है ये क्वेश्चंस, और तो इसमें से काफी बार आए भी हैं क्वेश्चंस और मैं अगर जब इसे प्रैक्टिस करता हूँ ना क्वेश्चंस की, एज एन एसिस 10 कर लिए, पीक्यूआर 10 कर लिए, टाइमिंग लगा के 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे से लेस में, 3 चीजें कॉम्प्रिहेंशन, F1, S6 और तुम्हारा PQRS, ये सब करने होते हैं ताकि प्रैक्टिस बनी रहे और आदत बनी रहे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं, और इसमें प्रीवियस क्वेश्चन काफी बढ़िया हैं तो मैं इसे प्रैक्टिस करता हूँ। वी हैव टू मेक अ लेफ्ट ऑन दिस, सो स्टार्ट द लेफ्ट। अपना फर्स्ट टास्क पूरा हो चुका है, अभी मैंने कंप्लीट करा है इंग्लिश, अब डन करने जा रहा हूँ मैं मैथ्स। तो जो बलविंदर लाइव चैनल है वहाँ उसी से परसेंटेज कर रहे हैं अभी और मैं उस परसेंटेज को ही क्लास कंटिन्यू करता हूँ एंड देन चलते हैं इसके बाद। आई नो कि एंगल चेंज हो चुका है गाइस क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और मुझसे चेयर पर बैठा नहीं जा रहा है, दैट्स व्हाई आई चूज दिस प्लेस सो आई कैन मेक वीडियो। तो मैंने यहाँ पे रख के अपने आप खोलते हैं उस चीज के बाद बलविंदर लाइव चैनल ताकि हम वहाँ से परसेंटेज करेंगे, देन हम नेक्स्ट चीज करेंगे फिर ज्योग्राफी। मैंने अभी शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, मन कर रहा था कि हम मैथ्स कर लेते हैं, सो लेट्स इट। आप लेफ्ट देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स काफी देर हो चुकी है मुझे बैठे बैठे और सोचा मैंने कि अब खड़े होकर पढ़ते हैं थोड़ा टहल टहल के। मैं ज्योग्राफी करने जा रहा हूँ और लैप्स काफी देर की नहीं रहती क्योंकि मैं कट कर देता हूँ बीच में से ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना रहे, सो लैप्स एंजॉय कीजिए। सो गाइस वीडियो एंड करते हैं यहाँ पर एंड जितनी भी सारी लैप्स थी मैंने वो कनेक्ट कर दी थी एंड दिस इज इट।
आज के लिए टॉपिक सारे खत्म होते हैं और काफी टाइम हो चुका है अभी, एंड मैं ज्यादा लंबा अभी एडिट करनी है वीडियो, दैट्स व्हाई, और मुझे अभी पढ़ना भी है रीजनिंग, तो रीजनिंग लैब से में आ रहे हैं और अभी इस बार रिविजन करना है रीजनिंग का जितना भी है, एंड दैट्स इट, आज का टास्क पूरे हुए जितने भी थे हमारे, एंड मैंने कुछ और भी चीजें करी थी एक्स्ट्रा, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सो सॉरी अबाउट दैट, बट प्लीज मेहनत करते रहिए और कीप डूइंग हार्ड वर्क, एंड सभी लोग सक्सेसफुल होंगे डेफिनेटली यार, मतलब ऐसे बोलने वाला मैं कौन, मतलब ठीक है मोटिवेट करना चाहिए सभी को, सो सब अच्छा करेंगे यार, जो भी है मेहनत करोगे जरूर सब कुछ होगा, और आई डोंट नो कि मैं राइट जगह राइट टाइम पे मेहनत कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, मैं बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रहा हूँ कि सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैक्टिक हो चुकी मेरे लिए, मैं जिम भी जा रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं खेलने भी जाता हूँ कभी कभी, मतलब क्रिकेट खेलने चले जाता हूँ, सो पता नहीं, आई डोंट नो, जितने भी हैं जो 24 घंटे में से 8 घंटे नींद लेने के बाद जितना टाइम बच रहा है सब मैं इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ कहीं ना कहीं, मोबाइल बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही कम, रेयर टाइम है कि मेरे पास शायद 20-30 मिनट यूज़ करता हूँ मोबाइल दिन में से, बाकी सब क्लासेस में, कभी कहीं और कभी कहीं और, सो दैट इट, तो अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट कीजिए एंड गुड टू गो, सो दैट इज इट, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाऊँ प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बता देना, एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।